Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. M.A. Basit Jewelers and Wedding Collection. Opposite Syndicate Bank, New Town, Mehboob Nagar. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर म्यूनसिपैलिटी के जारिया माली साल 2022 और 2023 के बजट इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, रियासती वजीर, जिला कलेक्टर एस वेंकटराव, एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदलाल ने शिरकत की। इस इजलास में सैयद सादत उल्लाह हुसैनी मजलिसी बल्दी फ्लोर लीडर व सदर टाउन मजलिस ने कई मसाइल उठाए। इस मौके पर चेयरमैन नरसिम्हलू, वाइस चेयरमैन गणेश, म्यूनसिपल कमिश्नर प्रदीप कुमार मौजूद थे। देखिए इसकी तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज अपडेट्स। आज जनाब एडिशनल कलेक्टर साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, वाइस चेयरमैन साहब, आज मेरे तमाम साथी काउंसलर और स्टाफ, आज 2022 और 23 का बजट पेश किया गया है, जिसमें 14,63,85,000 रुपये का बजट रखा गया है। मैं उसके लिए चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देते हुए और इस बजट का मैं खैर मुकदम करता हूँ। अब इससे पहले 2021 और 22 में 86 करोड़ रुपये रखा गया था बजट, लेकिन उसमें ज़्यादातर बजट जो है काउंट गवर्नमेंट में खर्चा हुआ है। मैं एडिशनल कलेक्टर साहब और चेयरमैन साहब से खारिज करता हूँ कि इस आने वाले बजट में अब जो 6-9 करोड़ रुपए जो रखे हैं, उसमें अगर वार्डों में अगर फंड के साथ रखा जाएगा तो इंशाल्लाह वार्ड शहर के साथ वार्ड की तरक्की होगा, और वार्ड तरक्की होगा तो पूरा शहर तरक्की होगा। मेरा एक छोटा मुतालबा है। मैं और एक एक बात चेयरमैन साहब और कमिश्नर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मेरे मुतालबे पे जो है वो जो है बलिया का लोगो प्रिंट किया गया था, लेकिन उसमें उर्दू मिस किया गया था, लेकिन अब मैं कई बार मुतालबे के बाद जो है उर्दू को शामिल किया गया है। उसके लिए मैं चेयरमैन साहब और कमिश्नर साहब और एडिशनल कलेक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने हमारे मुतालबे पर दिलचस्पी लेके उसको अमल करने की कोशिश की है। और एक मेरा एक रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब से और एडिशनल कलेक्टर साहब से, स्टाम्प ड्यूटी के जो पैसे पहले आते थे सब लाखों रुपए आते थे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वजह से, वो अब आना बंद हो गए हैं। अगर उसको एक गवर्नमेंट को एक रेजोल्यूशन पास करके एक नजर लिखा जाए तो वो वापिस अगर हमारे पैसे आएंगे तो हमारे पास डेवलपमेंट होगा और तरक्की होगी और शहर की तरक्की होगी और आपका नाम होगा सब। और सब इससे पहले फाइनेंस में सब 20 और 21 में जो 8 करोड़ रुपए आए थे सब, उसका जिक्र वो पैसे है या खत्म हो गए वो उसका कुछ जिक्र नहीं किया गया है सब। और कहा सब हो गए कि इसमें 1/3 फंड्स जो है स्लम एरिया और माइनॉरिटी वार्ड्स को रखने के इसमें बजट में शामिल किया गया है। इस तरह शामिल किया गया है उस बजट को हमारे माइनॉरिटी वार्ड और स्लम एरिया में उस बजट को इस्तेमाल किया जाएगा तो बेहतर रहेगा सब। और इस बजट में जो है शिफ्टिंग पोल्स, डैमेज पोल्स, थर्ड वाइज इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के मसाइल के लिए फंड रखा गया है सब। उसके लिए भी जो है सब आप ये डाउन में खर्चा हो रहा था और ये फंड वार्डों में भी अगर कौन से मसाइल रहते हैं, शिफ्टिंग पोल से, डैमेजेस है, ट्रांसफॉर्म शिफ्टिंग से, ऐसे कई मसाइल है सब, इसमें पैसे बजट में रखे हैं सब, वो वार्डों में भी इसको इस्तेमाल कीजिए सब, इसका खर्चा किया जाएगा तो बेहतर रहेगा सब। और एक एक सब अब वैकुंठा धाम के भी पैसे रखे हैं हमारे पास, वैकुंठा धाम के लिए रखना अच्छी बात है, बेहतर है, क्योंकि सबको मरने के बाद जो है रूहानी जाने का है, लास्ट हमारा आखिरी मंजिल वही है सब। लिहाजा मेरी वैकुंठा धाम में हमारे पास बल्दिया में एक हिंदुओं के लिए एक दो गाड़ियाँ वैकुंठा धाम में रखे तो बेहतर रहता, जैसा सिद्धिपेट वगैरह गजपेट वगैरह में रखा गया है। और हमारे मुसलमानों के लिए भी आखिरी सफर बोल के जो गाड़ी रखी जा रही है सब, इस फंड से मैं एडिशनल कलेक्टर साहब से खारिज करता हूँ कि वो नोट कर ले, इस फंड से जो है महबूब नगर में भी इसका स्कीम को अमल करें तो बेहतर रहता सब। और एक एक सब नेम प्लेट्स के लिए, नेम बोर्ड के लिए भी इसमें फंड रखा गया है बजट के अंदर सब खासकर, लेकिन नेम प्लेट्स जो है खाली टाउन में है लेकिन महलों में नहीं है सब। वो फंड से नेम प्लेट अगर महिला पेट है
वीरनापेट का नाम आना चाहिए, मक्का मस्जिद से जो एरिया में मक्का मस्जिद का नाम आना चाहिए और शाहजहांपुर का है। और जैसे रोड भी इसके साथ सीरियल नंबर 1234 अगर नेम प्लेट अगर बोर्ड अगर लगाते हैं तो आने वालों के लिए सहूलत होगी, एड्रेस ढूंढने वालों के लिए सहूलत होगी, वो मंजिल तक वो आसानी से जा सकता है। सर मेरा ये भी मुतालिबा है अधिकतर कलेक्टर साहब इसको नोट लें और फौरी इस पर अमल करने की कोशिश करें सर। और एक एक जो अभी मिनिस्टर साहब तो चले गए, अधिकतर कलेक्टर साहब सफाई से ये चिंचोली रोड से कोसकी को जाने वाली जो बाईपास रोड है सर, चेयरमैन साहब से भी खारिज करें कि हमारे मिनिस्टर साहब के नारे में लाए जो वीरनापेट से जो बाईपास रोड जा रही है सब वो बिल्कुल शहर में से जा रही, कई काटा वालों का नुकसान हो रहा था, उसको अगर एक किलो हाफ किलोमीटर अगर एक्सटेंशन कर दिए या अलाइनमेंट चेंज कर दिए तो किसी का एक प्लाट भी नहीं जाता, किसी को और पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ती था उनको, क्योंकि पूरी असाइन लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, उससे किसी को नुकसान नहीं होगा। और टाउन जो है जब हाफ किलोमीटर दूर अगर बाईपास रोड देंगी तो पूरा टाउन जो है गर्म हो जाता है और हाफ किलोमीटर से रोड पार होकर फिर 2-3 किलोमीटर तक आबादी चली जाती। अब जैसा गवर्नमेंट की स्कीम है सर, गवर्नमेंट लाश को हराज कर देगी, वो गवर्नमेंट लैंड है फॉरेस्ट की और असाइन लैंड है, वो हराज करके लाखों करोड़ों रुपए हमारे महबूब नगर पुष्पावती से और जो है हमारी गवर्नमेंट को जा सकते हैं। एक मेरा छोटा मशवरा है कि मुतालिबा है सर, इसके ऊपर अगर गौर करें तो बेहतर होगा, एक बार आप वहाँ पे विजिट करिए, चेयरमैन साहब आप एक बार विजिट करिए, हमारे मिनिस्टर साहब के साथ और कलेक्टर साहब के साथ अगर दौरा करेंगे तो इंशाल्लाह वो पॉसिबल है, असाइन लैंड है, उससे तमाम लोगों को फायदा होगा सर। एक तो 1-2 किलोमीटर तक आबादी चली जाती और जो है वहाँ उसके बाद जो है गवर्नमेंट लैंड को हराज प्लाट वाइज करके हराज किया जा सकता, उससे करोड़ों अरबों रुपए की आबादी गवर्नमेंट को हो सकती था। मेरा एक मुतालिबा है सर। और अभी मैं मिनिस्टर साहब ने कई स्कीम का ऐलान किए हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। अभी जैसे कलेक्ट्रेट जाने के बाद जो है वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी दवाखाना बनाया जा रहा है, उनके लिए मैं मिनिस्टर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जब कलेक्टर ऑफिस जब उठ जाएंगे तो शहर में जो है थोड़ा जो है दुकाना और आने वालों के लिए जो कारोबार है उसको नुकसान होने का अंदेशा था, वो अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर वहां पर आता है तो फिर दोबारा वो कारोबार वहीं पे जैसा फिर पहले से जैसा चल रहा वैसे फिर उन लोगों को राहत मिल सकती है। उसके लिए मैं उन्होंने जो जो सोचा है बहुत बेहतरीन स्कीम है, उनको मशवरा बेहतर अच्छा है। और एक एक कल रेलवे के ताल्लुक से सब कमिश्नर साहब, चेयरमैन साहब, कलेक्टर साहब और मिनिस्टर साहब की सदारत में एक मीटिंग किए सब, और मैं उसके लिए मैं खासकर कलेक्टर साहब की है और चेयरमैन साहब की है और वीरनापेट के लिए जो आप लोग अंडरग्राउंड जो ब्रिज सोचे हैं रेलवे का वो अच्छा है और वो उससे जो है ये कम से कम 5-6 वार्ड वालों को राहत मिल सकती है। ट्रेन की वजह से हमेशा हर 5-10-15 मिनट में एक बार गेट पड़ता है, उससे काफी दुश्वारी हो रही है, कई लोग हॉस्पिटल को जाने बगैर जो उनका इंतकाल हो जा रहा है, क्योंकि ट्रेन आ रही तो गेट आ रहे थे 15 मिनट उसके लाश हो रहे हैं। लिहाजा जो मिनिस्टर साहब ने जो सोचा है और भाई उसके लिए जो रेलवे का ब्रिज जल्द से जल्द अगर हो सके तो जल्द से जल्द करने के लिए तो मैं चेयरमैन साहब उसके ऊपर दिलचस्पी दिए तो शुक्रिया, मुझे जो वक्त दिया गया शुक्रिया खुदा। नाज़रीन आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।